तो दोस्तों फाइनली RC24 के अंदर एक न्यू अपडेट आ गया है। ये अपडेट T20 वर्ल्ड कप स्पेशल अपडेट है, जिसके अंदर हमें ब्रांड न्यू T20 वर्ल्ड कप 2024 देखने को मिलेगा, 7 न्यू स्टेडियम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस अपडेट के अंदर बैट्समैन की बैटिंग स्टांस को भी चेंज किया गया है, गेम प्ले के ऊपर भी पहले से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है, साथ ही क्रिटिकल बग्स को फिक्स किया गया है और गेम्स के अंदर सिक्योरिटी को भी थोड़ा इन्हेंस किया गया है। बट इस अपडेट के अंदर जो सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर्स है वो है T20 वर्ल्ड कप 2024। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 को अनलॉक करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 टिकट देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक हफ्ते का सब्सक्रिप्शन लिया है, इसलिए मुझे सिर्फ 1000 टिकट लग रहा है। बट सब्सक्रिप्शन के बिना आपको 1000 टिकट के साथ साथ 1000 रुपीज़ भी लगेगा T20 वर्ल्ड कप 2024 को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने फेवरेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। पर मैच के लिए आपको 3000 कॉइन देना पड़ेगा। बाकी फिक्सचर वगैरह एकदम रियल वाले T20 वर्ल्ड कप के जैसा है, पहले ग्रुप मैचेस, फिर सुपर 8, देन नॉकआउट, जो काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टेडियम वगैरह सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, फिक्सचर के हिसाब से जो भी मैच जो भी स्टेडियम पर है उसी स्टेडियम पर मैच होगा, क्योंकि सातों के सातों स्टेडियम को ही गेम के अंदर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे स्क्वाड वगैरह को भी अपडेट कर दिया गया है, मतलब एक्चुअल में T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिस टीम का जो भी स्क्वाड वगैरह है गेम के अंदर भी आपको सेम स्क्वाड ही देखने को मिलेगा। और मैच शुरू होने से पहले आपको यहाँ पे एक काफी जबरदस्त कार्ड सीन देखने को मिलेगा, जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेडियम्स वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है, और सभी स्टेडियम्स को काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। सारे टीमों का ब्रांड न्यू जर्सी वगैरह देखने को मिलता है, जर्सी वगैरह को भी काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि रियल वाले जर्सी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बैट्समैन की बैटिंग स्टांस वगैरह को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। उसके अलावा स्कोरबोर्ड को भी काफी जबरदस्त बनाया गया है, जो एकदम रियल वाले स्कोरबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जो आपको काफ़ी हद तक एक रियलिस्टिक फील देगा जब आप T20 वर्ल्ड कप को खेलेंगे। साथ ही गेम प्ले के ऊपर भी इस बार थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो देखा जाए तो ये अपडेट को आप एक अच्छा अपडेट कह सकते हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ ऐसे है जिससे काफ़ी लोग नाराज भी हो सकते हैं। पहला, इस बार भी आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 को अनलॉक करने के लिए 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी एक सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा, वरना आप T20 वर्ल्ड कप 2024 को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, भले ही आपका 100 लेवल कम्पीट क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरा, क्विक मैच के अंदर कोई भी नया टीम जैसे USA, कनाडा, उगांडा, जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, उनमें से किसी भी टीम को क्विक मैच के अंदर ऐड नहीं किया गया है, जो चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है। मेरे ख्याल में क्विक मैच के अंदर डेफिनेटली सारे टीम्स को ऐड करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा है, और आपके हिसाब से इस अपडेट के अंदर कौन सा फीचर्स आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।